झगड़ा कोहली और गंभीर के बीच हुआ और सोशल मीडिया पर लोग अलग ही राग बजा रहे हैं। लोग तो आपस में ऐसे भिड़ रहे हैं जैसे मैच खेलने तो यही लोग गए थे, लेकिन केवल गंभीर कोहली ही नहीं, कई इंडियंस प्लेयर्स हैं जो आपस में मैच के दौरान भिड़ते हुए देखे जा चुके हैं। और इसमें एक खिलाड़ी तो ऐसा है जिसने गुस्से में कॉलर तक पकड़ लिया, तो वहीं किसी ने गुस्से में आकर अपनी टीम को ही अलविदा कह दिया। सबसे बड़े लफड़े की बात करें तो इसमें एक ऐसा प्लेयर भी है जिसने अपने ही साथी प्लेयर को थप्पड़ भी जड़ दिया था, और ये प्लेयर कोई और नहीं हमारे ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह थे। ये बात है साल 2008 की जब आईपीएल का पहला सीजन खेला जा रहा था, मोहाली के पीसीए स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की टक्कर किंग्स इलेवन पंजाब से हो रही थी। उस टाइम पंजाब टीम के कैप्टन युवराज सिंह थे और मुंबई इंडियंस के सचिन तेंदुलकर। पंजाब ने मुंबई इंडियंस को 66 रनों से हरा दिया था और सभी खिलाड़ी मैच खत्म होने के बाद एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। तभी अचानक टीवी स्क्रीन पर श्री संत को दिखाया जाता है जिनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो रोए ही जा रहे थे और बॉलर विक्रम सिंह उन्हें चुप करवा रहे थे। तब किसी को समझ नहीं आया कि आखिर वो इतना रो क्यों रहे हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि हरभजन सिंह से उनकी बहस हुई और गुस्से में हरभजन सिंह ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। वैसे तो हरभजन पाजी ने तब थप्पड़ मारने वाली बात नहीं मानी थी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद रेफरी फारूक इंजीनियर ने इस बात का खुलासा किया कि हरभजन ने उन्हें थप्पड़ मारा है, जिसके बाद उन्हें 2008 के आईपीएल सीजन से बैन कर दिया गया था। इसके साथ ही भज्जी को 5 वनडे मैच से भी बैन कर दिया गया था। हालांकि भज्जी ने कुछ दिनों बाद अपनी गलती मानी थी और कहा था कि मुझे श्री संत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी ही गलती है। लेकिन अब दोनों प्लेयर्स के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब जब भज्जी विराट और गंभीर के झगड़े में ज्ञान दे रहे हैं तो लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि तुम ज्ञान क्यों दे रहे हो, तुम्हें तो बहस और झगड़े में फर्क भी नहीं पता, तुमने तो मैच में श्री संत को थप्पड़ मार दिया था और गंभीर और विराट तो बस बहस ही कर रहे हैं। अब उस मैच की बात करते हैं जिसमें रविंद्र जडेजा और रैना आपस में भिड़ गए थे। साल 2013 में टीम इंडिया के प्लेयर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे मैच खेल रही थी, तभी ये बहस बस मैच में एक कैच छूटने की वजह से हो गई। दरअसल जडेजा ने बॉलिंग की और जैसे ही प्लेयर ने छक्का मारा तो कैच भुवनेश्वर कुमार के हाथ में जाने वाला था। भुवनेश्वर आसानी से कैच पकड़ सकते थे, लेकिन रैना ने उन्हें साइड करके खुद कैच लेने की कोशिश की और इसमें दोनों में से कोई भी कैच नहीं ले पाया और बॉल जमीन पर गिर गई। बस फिर क्या, जडेजा रैना पर भड़क गए कि जब भुवनेश्वर कैच पकड़ रहा था तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी। विराट उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जडेजा रैना से काफी नाराज थे। दोनों में बहस तो हुई लेकिन कैप्टन विराट कोहली ने मामला सुलझा दिया था, लेकिन फिर जब मैच में ही सब खिलाड़ी एक साथ खड़े थे तो रैना ने मजाक में जडेजा की गर्दन पकड़ ली, तब फिर से जडेजा रैना पर भड़क गए थे। उस दिन मैच इंडिया ने जीता था लेकिन खुश कोई भी नहीं था। अब उस खिलाड़ी की बात करते हैं जिसने तो गुस्से में आकर अपनी टीम को ही अलविदा कह दिया था। ये झगड़ा ज्यादा पुराना नहीं है, साल 2021 में दीपक हुड्डा और कृणाल पांड्या के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी लीग खेलने के दौरान झगड़ा हुआ था। उस टाइम ये दोनों लोग वडोदरा टीम के लिए खेल रहे थे और वहीं उस समय वडोदरा टीम के कैप्टन कृणाल पांड्या थे और दीपक हुड्डा वाइस कैप्टन थे। तब प्रैक्टिस के टाइम दोनों खिलाड़ियों में बहस हो गई थी कि पहले बैटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए या कैच लेने की, लेकिन बहस के बाद दीपक हुड्डा प्रैक्टिस छोड़कर घर चले गए थे और उन्होंने इसके लिए बीसीसीआई से शिकायत भी की थी कि कृणाल पांड्या उन्हें हमेशा गाली देते रहते। दीपक ने ये भी कहा था कि कृणाल ने उनका नाम टीम लिस्ट में से हटा दिया था और वहीं जब मैं होटल गया तो मैंने देखा कि मेरा नाम टीम में नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद दीपक ने वडोदरा टीम छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद दोनों ही प्लेयर को आईपीएल में लखनऊ टीम के साथ खेलते देखा गया और गले भी लगते देखा गया था। वेल, क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों का आपस में भिड़ना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इसका मजा उठाने वाले लोग ही हैं जो इसे बड़ा बना देते हैं। इन दिनों विराट और गंभीर के बीच हुई फाइट की हर तरफ बातें हो रही हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं जब विराट और गंभीर को आपस में बहस करते हुए देखा गया हो। दोनों के बीच का ये झगड़ा काफी पुराना है। साल 2013 से ही दोनों प्लेयर्स के बीच रिलेशन खराब हो गए। साल 2013 में जब बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच खेला गया था, तब तो बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। उस टाइम कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन गंभीर थे और आरसीबी के विराट कोहली। मैच से पहले तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैच में कोहली बैटिंग करते हुए आउट हुए तो ऐसा लगा कि गंभीर ने उन पर कुछ कॉमेंट किया, जिससे विराट कोहली को गुस्सा आ गया और दोनों ने नजदीक आकर एक दूसरे को भला बुरा कह दिया। लेकिन इस लड़ाई को काफी टाइम बीत चुका है लेकिन अभी तक दोनों की लड़ाई शांत नहीं हो पाई। वहीं एक बार फिर दोनों के बीच लफड़ा यहां से शुरू हुआ जब 1 मई को लखनऊ के टीम प्लेयर नवीन उल हक से विराट की बहस हो गई। देखिए, लखनऊ की टीम की जब बैटिंग चल रही थी तो चौथे ओवर के टाइम लफड़ा शुरू हो गया। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट की टीम के ग्लेन मैक्सवेल ने जब बॉलिंग की तो कैच विराट ने लपक लिया और गंभीर की टीम के कृणाल पांड्या आउट हो गए। कृणाल के आउट होने पर विराट कोहली ने काफी एग्रेसिव तरीके से खुशी जाहिर की थी, जो उनका नेचर है, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुंह पर उंगली रख कर इशारा किया जिसे गौतम गंभीर ने भी देखा। माना गया कि यह इशारा विराट ने गंभीर की तरफ किया था। फिर 16वें ओवर पर जब नवीन उल हक बैटिंग कर रहे थे तो विराट स्टंप के पीछे से दौड़ते हुए आए और नवीन की तरफ कुछ ऐसा इशारा किया जिससे नवीन भड़क गए और उनकी आपस में बहस हो गई। इसके बाद विराट ने अपने जूते की तरफ इशारा किया जिससे धूल निकल रही थी। वहीं बहस बढ़ता देख उन्हें रोका गया और अलग किया गया। ये मैच विराट कोहली की टीम यानी कि आरसीबी ने जीता और मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के प्लेयर एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे और जब विराट कोहली और नवीन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो दोनों के बीच कुछ बात हुई और गुस्से में विराट ने नवीन का हाथ झटक दिया। उसके थोड़ी देर बाद लखनऊ टीम के ऑलराउंडर प्लेयर कायल
मेयर्स ने अपने साथ विराट को कुछ बात करने के लिए साइड में ले गए और अभी दोनों खिलाड़ी आपस में बात ही कर रहे थे तभी गंभीर आ गए और अपनी टीम के प्लेयर कायल मेयर्स को सबके सामने हाथ पकड़कर विराट से दूर ले गए। गंभीर ने दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करने दी जिससे विराट और ज्यादा भड़क गए और इसी के बाद गंभीर और विराट को आपस में बहस करते हुए देखा गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। मैच के बाद एक तीनों प्लेयर विराट, नवीन और गंभीर ने पोस्ट किया जिससे साफ जाहिर होता है कि तीनों ही खिलाड़ियों में हुई बहस कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। लेकिन इस झगड़े से सबसे ज्यादा मजा तो ऐसा लग रहा है कि फैंस को आया है। झगड़े को 2-3 दिन बीत चुके हैं लेकिन फिर भी देश इस बात पर बहस कर रहा है कि आखिर दोनों में गलत कौन है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट में ये बता दीजिएगा कि गलत कौन है।